युवा ने हमेशा आपत्ति में काम किया, वो सामाजिक हो या कुदरती हो। अभी अगर एक डेढ़ साल से कोरोना है, उसमें हुआ इस प्रकार से कि कोरोना के बीमारी के पेशेंट बढ़ने की वजह से जो रेगुलर पेशेंट थे, जैसे हड्डी के पेशेंट हो या हार्ट के पेशेंट हो या शुगर के पेशेंट हो या बीपी के पेशेंट हो या किडनी के पेशेंट हो या डायलिसिस के पेशेंट हो, वो बाजू में रह गए। वही पेशेंट कल वो कोरोना की ओर जा सकते हैं। तो युवा ने यही सोचा कि क्यों ना हम लोग, अगर ये पेशेंट छूट रहे, ये मरीज छूट रहे, तो हम एक लोगों के लिए जनरल हेल्थ कैंप लगाया। डोळ्यांचं झालंय आणि पायाचं झालंय, पाय दुखतायत माझे, तर पायाचं पण केलं त्यांनी, त्याचा पण फॉर्म दिला आणि डोळ्यांचा दिला, डोळ्यांचा चष्म्याचा नंबर दिला मला। मेरा फिजिकल चेकअप हुआ और ब्लड चेकअप हुआ और हार्ट चेकअप हुआ और दवा वगैरह लिख के दिया हुआ है डॉक्टर ने, वो ले ली। अच्छा लगा मेरे को, पैसा नहीं लिया उन लोग ने और सब फ्री में किया, तो मेरे को खूब अच्छा लगा। इसमें फायदा मतलब हम लोग का ही, जो गरीब लोग का, जो मजदूर है, वो लोग इतने पैसे वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते कि जाके स्पेशलिस्ट को मिल सकते। तो युवा ने जो किया वो अच्छा किया हुआ है। सबके लिए जो शिविर रखा बहुत अच्छा है इसके। मेरा आंखों का और ये घुटने का और कान का दर्द का मेडिसिन भी मिला। आज हम कारगिल अपना सेंटर पे है, युवा के अपना सेंटर पे, और अभी एक घंटे के ऊपर हो गया और हमारा कुछ करीब 50 से ऊपर पेशेंट्स हम स्क्रीन कर रहे हैं जो हमारा टीम है। तो यहाँ पे कोविड की स्क्रीनिंग से लेके फार्मेसी काउंसलिंग, आई चेकअप, ब्लड टेस्ट वगैरह, HIV का सब कुछ हो रहा है यहाँ पे टेस्टिंग। लेकिन सभी जो काम होता है वो शासन का होता है, जो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या नगर पालिका का हो। अभी तो हमने पेंट किया, लेकिन इस पहल में हम यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज अगर शासन इस प्रकार से आगे आके, युवा हमेशा उनके साथ होगी, क्योंकि उससे जो सफर करने वाले लोग वो छूट जाएंगे।